ये गाइस देख सकते हैं स्वेलिंग आई है यहाँ पे। अब स्वेलिंग का क्या कारण है आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये नॉर्मल चीज़ है लेकिन लोग अवॉइड करते हैं, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन अवॉइड करने के कारण बड़ी हो जाती है। आ करिए तो आप देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे सूजन दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है ना आपको, तो ये है दांत की वजह से। ये जो दांत है, ये वाला दांत, इसकी वजह से ये सूजन आई हुई है। दांत बहुत सड़ा था और इसकी वजह से है। ठीक है, तो अभी हम इसका इलाज करेंगे। बहुत बढ़िया, जैसा कि देख रहे हैं दो कैनाल्स हैं, सुपर, ये डन हो गया। बढ़िया गाइस, यहाँ पे जो स्वेलिंग है, हम आप ओपन करिएगा, तो हमको क्या है, दांत से भी ड्रेन करना है एंड ये जो आपका है यहाँ से भी हमको ड्रेन करना है। पस इनका पस भरा हुआ है यहाँ पे। लो ये इंजेक्शन का, जूम करो अच्छे से, इंजेक्शन को दिखाओ जूम करके। हाँ पास करो, पास में करो गाइज। आप देख रहे हैं कितना पस निकल रहा है, देखिए दांत में अंदर इंजे यहाँ से कितना ये पस ड्रेन हो रहा है, तो एक्सटर्नल ड्रेनेज भी करना जरूरी है। सो गाइज ये देखिए, अभी मैंने ड्रेन किया है, इतना इन्फेक्शन और भी है थोड़ा, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, हम धीरे धीरे इसको पूरा ड्रेन करेंगे, दांत के अंदर से ड्रेन करेंगे, बाहर एक्सटर्नली ड्रेन करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना अंदर पॉइसन है, ये एक्सेस मवाद है, और ये छोटी सी गलती की वजह से होता है कि हम इग्नोर करते हैं। हमारा दांत सड़ा है, हम इग्नोर करते हैं, चलने दो, और फिर ऐसा स्थिति आता है कि कई बार ऐसा पॉइजन हो जाता है। और अगर ये भी अगर ध्यान नहीं दिया, इसमें भी दवाई खाते हैं ये पेशेंट जो है, ये इनका सबसे पहला यही डिमांड था कि सिर्फ दवाई दे दो, दवाई से मैं ठीक कर लूंगी। ऑलरेडी ये 5 दिन की अच्छी दवाई खा रही थी, तब भी इनको ट्रीटमेंट कराने में उतना नहीं था, और मैंने समझाया तो इन्होंने शुरू करा, और देखो उसका फल क्या हुआ कि इतना पॉइजन हमने निकाल दिया। अब क्या आराम पेशेंट को जल्दी मिलेगा, जल्दी ठीक होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अवॉइड मत करो, थोड़ा भी कैविटी है जाके डॉक्टर को दिखाओ, और उस हिसाब से जो भी आपका स्थिति है उस हिसाब से आपको इलाज बताया जाएगा। इतना मत बढ़ाओ कि समस्या बहुत बढ़ जाए। ठीक है गाइस, तो गए आपने देखा, चलो इसको परमानेंट सॉल्व करेंगे हम। सो हेलो गाइस, आज 7 से 8 दिन हो गए हैं ये पेशेंट को, और हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कंडीशन कैसा, इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा पस था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इस बीच में 2 अपॉइंटमेंट और दिया गया इनको, प्रॉपर क्लीनिंग करी गई। जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो काम बढ़ जाता है, और मैं यही चाहता हूँ आप लोग को अवेयर करना कि इतना इन्फेक्शन को नहीं बढ़ाना है। तो इनका इन्फेक्शन था, आपने देखा बहुत सारा एब्सेस पस निकल रहा था, और आज करीबन 7-8 दिन हो चुके हैं, आज ये 4th विजिट है और मैं फिनिश करने वाला हूँ, और आज की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, ये दांत बच चुका है और इन्फेक्शन पूरा खत्म हो चुका है। पहले आप बताओ आंटी, कैसे लग रहा है अभी आपको? ठीक है, कंफर्टेबल, दर्द वर्द खत्म? उस समय कितना तकलीफ था आपको? बहुत तकलीफ था। अभी मुस्कुरा रही है आंटी। चलिए ओपन करिए, आ करिए, बंद करिए दांत। ये देखो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मवाद भरा था, फूला था ये जगह, अभी देखो एकदम फ्लैट हो गई, ये क्लियर हो गया, इन्फेक्शन खत्म हो गया है। आ करिए, और ये जो आप दांत देख रहे हैं अंदर, ये एक बड़ा कारण था इसका, इसके अंदर बहुत टाइम से सड़न थी जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन मवाद बन रहा था। आज ये क्लोज करने वाले हैं हम, कंप्लीट रूट कैनाल हो जाएगा। सो गाइज, अभी हमने जो आर्टिफिशियल नसें होती हैं जिसको गट्टा पर्चा कहते हैं, वो हमने डाला है अभी, और इससे हम बंद करेंगे, सील कर देंगे पूरा। चलिए एक्सरे लेते हैं। तो देख सकते हैं फैंटास्टिक ऑब्चुरेशन हो चुका है, बढ़िया, तब इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, पैक। सो गाइस चलिए, अब देखा आपने, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ, और बस यही था वीडियो बनाने का कि आप लोग अवेयर होइए और इतना इन्फेक्शन ना बढ़े कि ट्रीटमेंट इतना करा। ठीक है, जब भी कैविटी लगे दांतों में फिलिंग करा लो, लेट्स इट। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।